स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 को लेकर इंदौर ने एक बार फिर नंबर वन बनने के लिए कमर कस ली है, जिसके तहत सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए इंदौर की कचरा गाड़ियों को जमीनी स्तर पर उनकी मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई है। स्वच्छता में लगातार दो बार नंबर वन पर काबिज होने वाले देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। इस बार इंदौर के सामने सफाई को लेकर कई पैरामीटर हैं, लिहाजा चुनौतियां भी बढ़ गई हैं, जिसे देखते हुए निगम कमिश्नर आशीष सिंह एक्शन मोड में हैं और अधिकारियों को अभी से मैदान में उतार दिया है। पिछले दिनों शहर की स्वच्छता व्यवस्था में गिरावट आई थी, जिसके बाद अब इसे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में कचरा गाड़ियों की मॉनिटरिंग को पुख्ता किया जा रहा है। दरअसल निगम के 311 ऐप पर सबसे अधिक शिकायतें कचरा गाड़ी नहीं पहुंचने की मिल रही हैं, जिसे देखते हुए नगर निगम अब कचरा गाड़ी का रिमोट कंट्रोल आम शहरवासियों के हाथ में देने की तैयारी कर रहा है। फिलहाल कंट्रोल रूम के निरीक्षण के दौरान ऑनलाइन GPS तकनीक के जरिए शहर में चलने वाली सभी कचरा गाड़ियों को लाइव मॉनिटर करने का ट्रायल किया जा रहा है। ट्रायल के पहले निरीक्षण के दौरान कचरा गाड़ियों के कई अलर्ट जारी किए गए, जिसमें एक ही स्थान पर देर तक रुके रहने, रूट बदलने, समय में विलंब सहित अन्य त्रुटियां पाई गईं, जिसे देखते हुए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। जो हमारी डोर टू डोर कलेक्शन की गाड़ियां चलती हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में कचरा प्रबंधन में लगभग 600 के आसपास हमारी गाड़ियां लगी हुई हैं, उन सभी गाड़ियों की मॉनिटरिंग अभी मैनुअल हो रही थी और मैनुअल मॉनिटरिंग में की अपनी सीमितताएं होती हैं, कई सारी शिकायतें भी लगातार प्राप्त हो रही थी। तो इसके लिए हमारे द्वारा जो GPS वाला सिस्टम है वो लाया जा रहा है गाड़ियों की मॉनिटरिंग के लिए। अभी हालांकि ये टेस्टिंग फेज में चल रहा है, तो जितनी भी गाड़ियां हैं जोन वाइज सभी गाड़ियों के अलर्ट जनरेट होते हैं। अगर वो 5 मिनट से ज़्यादा कहीं पर खड़ी होती है तो उसका अलर्ट आ जाता है। जो लेन है वो हमने निर्धारित करी है, वो भी क्रम में निर्धारित करी है, अगर क्रम का पालन नहीं होता है तो उसका भी अलर्ट आ जाता है। इसके अलावा अगर अन्य कोई समस्या होती है गाड़ी की तो वो भी हमको रिपोर्ट हो जाती है। तो सभी जोनों के लिए हमने अलग अलग स्क्रीन बना रखी हैं, वहाँ पे अलग अलग आदमी लगा रखे हैं, हमने कंट्रोल रूम का प्रभारी भी CSI और सहायक CSI को बनाया है। तो कुल मिला के अभी अगले 8-10 दिनों में जब हमारा टेस्टिंग फेज खत्म हो जाएगा तो जो भी डोर टू डोर कलेक्शन की हमारी गाड़ियां हैं उनको हम लोग 100% एफिशिएंसी पे चलाएंगे। कुल मिलाकर स्वच्छता में नंबर वन इंदौर तीसरी बार सबसे साफ शहर का ताज अपने माथे पर सजाने के लिए फिर से तैयारियों में जुट गया है। अब देखना होगा कि क्या इस बार फिर इंदौर ये गौरव हासिल करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।